तक के नहीं था। आओ भाई आओ। चक्की में गेहूँ पीसते पीसते तो फिर कभी मेरे सामने उंगली उठाकर बात करने की। सौरभ बहन आपकी बहू के हाथ तो बहुत ही नाज़। अब रसम है तो निभानी तो पड़ेगी। ठीक है बराबर में। हाँ बराबर। और मैं निभाऊंगा खुशी खुशी करते तेरे शुभ हाथों से। एक मिनट बाजी पर यहाँ नहीं बाहर आंग एक अलग अंदाज में करेगी। चलिए अभी कौन सा नया खेल खेलने वाली है। सारा प्लान चौपट न कर दिया। यहाँ ऐसा खुला है तो तुझे धूप के मिलते ही अंदर शक्ति आ जाती है। जादू क्या? वैसे आज जो यहाँ होने वाला है ना उसे जादू इस जादू में ना ना ही मुझे अपने हाथ यूज करने पड़ेंगे। मतलब सुनिए अंदर आइए इधर रख दीजिए। ये है नए जमाने की नई सोच जो वक्त के साथ नहीं बदलते हैं ना। एंड आई एम नॉट वन ऑफ देम। और वैसे नंबर वन रहने की आदत सी 18 सेंचुरी के जमाने की चक्की क्यों यूज करना। इलेक्ट्रॉनिक चक्की से क्यों ना पीसा जाए। ये चक्की मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट समझ के रख लीजिएगा। हमारा सर घर से ऊंचा किया है। लेकिन इस चक्की में तो सब अपने आप हो जाएगा कि बहू के हाथों से ही पीसा हुआ आटा अगर इसी मशीन में पीसे जाएंगे तो जाएगी बेटा। ओफो बाजी। और दूसरे हाथ से स्विच ऑन करूंगी दोनों हाथों का इस्तेमाल। वैसे फर्क ये है पसीना बहा के अन्न कूट रही है। आराम ही आराम। शुरू करते हैं अभी। चलो चलो दो मिनट आती हूँ। हाँ धर्म बेटा सब कर रहा था। हाँ वो मैं आती हूँ एक मिनट। अच्छा रुका विद्या जा बेटा सबके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। जी। देख लिया कि जाइए रसोड़े में जाइए जा। ये मॉडर्न चक्की को देख के मेरा भी मन कर रहा है। या या शो व्हाई नॉट। जरा से भी अगर आज पहुंचेगा अम्मी माँ ये क्या हो गया। अरे कोई तो मदद करो मेरी बहू की। कोई तो बचा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान मुझे थोड़ी बुद्धि दो। मेरी बच्चिया वहाँ और फिर भी आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। आप तो सब कुछ पहले से जान जाते हैं। क्यों कोई भी अनर्थ होने से पहले आप उसे रोकते क्यों नहीं है। विद्या
आपसे विनती नहीं करूंगी, मैं आपको आदेश देती हूँ। आपने द्रौपदी को अपना बहन माना था, ठीक उसी तरह आपको भाई मानती आ रही। इतने वर्षों तक उन्होंने आपकी मूरत को राखी बांधी है, जो आपको निभानी ही होगी। स्वाभिमान का महत्व अंदर चल, कमरे में चल के चेंज कर।